राजधानी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ सामान और फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, इसीलिए कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप लिया और उसका धुआं दूर से भी देखा जा सकता है। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद एक के बाद एक दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में यह आग लगी हुई है, जिसमें लगभग काबू पा लिया गया है और कूली का काम अभी भी जारी है। सर, क्या ये आग की कॉल मिली थी आपको? जैसे हमको कॉल मिली है, 1 या 1.5 मिनट के अंदर हम पहुंच गए, आग पे काबू पा लिया है। हाँ। पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। कोई जान माल की हानि नहीं? कोई माल की हानि है, जान की कोई हानि नहीं है। सभी लेबर को बाहर निकाल लिया? सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, 1 या 2 आदमी थे। तो कितनी मंजिल पे आग लगी थी? 2nd फ्लोर पे आग लगी। 2nd फ्लोर पे आग लगी थी। कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद रही होगी? मौके पर 6 गाड़ियां हमारी। 6 गाड़ियां अभी आग पर काबू पा लिया? पा लिया। कूलिंग ऑपरेशन जारी है? हाँ, ऊपर कूलिंग जारी है। किस की कंपनी है ये? जूता की कंपनी है, जूते की, जूते चप्पल बनाने की कंपनी है। गर्मी की शुरुआत में ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। पहले भी कई बार नरेला और आसपास के इलाके में फैक्ट्रियों में आग लगने की वारदातें हुई हैं, जिसमें लोगों का भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में अंदर फैक्ट्री में मौजूद सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी जान का नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। आगे किन कारणों से लगी है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 11:23 पे हमारे पास कॉल आई थी, ऐसे ऐसे बी ब्लॉक 2651 पे ऐसे आग लगी, तो आप तुरंत अपना फायर टैंकर आए, टॉप नाइट पेट्रोलिंग टीम है हमारी, पूरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करती है, और हम तुरंत यहाँ पहुँच गए, तो आप आग बुझाने में आप सहयोग कर रहे हैं। अभी चल रहा है प्रोसेस, चल रहा है। फिलहाल कॉलिंग का काम लगातार जारी है और दमकल के कर्मी मौके पर मौजूद हैं। कूलिंग खत्म होने के बाद ही आग के कारण और नुकसान का पुख्ता तौर पर कुछ पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।